कहते हैं राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन। ये कहावत महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बिल्कुल सही साबित हो रही है। पिछले 3 दशकों से साथ साथ चलने वाली बीजेपी और शिवसेना के दोस्ताने में अब दरार पड़ चुकी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज सियासत के रंग में पूरी तरह खुल चुके हैं। सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने इतने पुराने रिश्ते की बलि चढ़ा दी है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी का उदय हुआ है, यानी कि आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से चुनाव लड़ा। ये पहला मौका था जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में था। आदित्य को शिवसेना ने कुछ इस तरह से प्रमोट किया जैसे वो ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी से दूर होने और कांग्रेस और एनसीपी के करीब जाते जाते उद्धव ठाकरे के सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने समय की नब्ज को पहचानते हुए परिवार के किंग मेकर के चोले को उतार फेंका है, जिसे कभी बाल ठाकरे ने बखूबी सींचा था। महाराष्ट्र को अपनी उंगली पर नचाने वाले बाल ठाकरे के गुजरने के 7 साल के भीतर ही उद्धव ने किंग मेकर की भूमिका से किंग बनना ज्यादा मुनासिब समझा। राहें जुदा होते ही शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मोदी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। सावंत ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी को जमकर कोसा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना के किसी नेता ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना इससे पहले भी गठबंधन धर्म को नकारते हुए हमेशा ही बीजेपी पर वार करती रही है, तो वहीं बीजेपी इसे छोटे भाई की हरकत समझकर शांत रही। ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया हो। महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को बड़ा साबित करने से शिवसेना कभी भी पीछे नहीं हटी। 1990 में हुए इस गठबंधन में कभी शिवसेना का दबदबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बीजेपी का प्रभाव भी बढ़ता गया। हिंदुत्व के एजेंडे पर साथ आई दोनों पार्टियों में साल दर साल बीजेपी की ताकत में इजाफा होता गया और शिवसेना अपना जनाधार खोती रही। आज आलम ये हो गया है कि बीजेपी के आगे शिवसेना ने घुटने देख दिए हैं। बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना हमेशा अपने चुनाव चिन्ह सिंह की तरह गरजती थी और बीजेपी नेता हमेशा मातोश्री के दरबार में हाजिरी लगाते थे, लेकिन मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने शिवसेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। नतीजा ये था कि 2014 के चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन सरकार बनाने के लिए बाद में साथ आ गए। गठबंधन में सीटों के हिसाब से हमेशा बीजेपी का प्रतिशत शिवसेना से ज्यादा रहा है। बीजेपी शिवसेना की अपेक्षा हमेशा ही बेहतर प्रदर्शन करती रही है। साल 1990 में शिवसेना ने गठबंधन के तहत 183 सीटों पर तो बीजेपी ने 104 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें शिवसेना को 52 सीटों पर तो बीजेपी को 42 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। गठबंधन में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती रही। 2014 से पहले तक गठबंधन में शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलती थी, लेकिन जीत का प्रतिशत हमेशा बीजेपी का ज्यादा होता था। 2009 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 169 और बीजेपी को 119 सीटें मिली थी। इनमें से शिवसेना ने 42 तो बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी। बस यहीं से बीजेपी ने शिवसेना को वो महत्व देना बंद कर दिया जो वो पहले देती थी। नतीजा ये था कि 2014 के चुनाव में ये गठबंधन टूट गया और दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। इस चुनाव में 122 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि सरकार बनाने के लिए ये आंकड़ा भी कम था, इसीलिए उसे वापस शिवसेना का समर्थन लेना पड़ा। लेकिन इस बार ठाकरे परिवार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहिए थी, इसलिए उसने बीजेपी के साथ साथ चलने के अघोषित वायदे को फिर से तोड़ने का फैसला लिया है। 100% का सवाल है कि नरम गरम गठबंधन में तकरार को भुलाकर आपसी समझदारी देखने को मिलेगी भी या नहीं, ये तो सरकार के आकार लेने के बाद ही तय होगा। ये नया गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा अब ये समय ही बताएगा। HS News के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।